जो कहते ना वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये तो अगले पॉडकास्ट के लिए रखे, बाकी चलिए। नो नो नो, गो एड गो एड प्लीज। सो देयर आर सो मेनी केसेस पेंडिंग। तो मेरे दिमाग में मछली, कल एक वो शो देख रहा था, मामला लीगल है, हाँ, रवि तो किशन जी का है। रवि अच्छा किशन जी का। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ना, जैसे कि डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए अच्छा है ना, कोई बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास आएगा। ऐसी जितनी तारीख आएगी उतनी वकील को फीस मिलेगी। तो व्हाट्स योर व्यू, मतलब ये जो इतने सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, क्यों पेंडिंग रहते हैं? मतलब रिसोर्सेज की कमी है, जजेस की कमी है, कोर्ट की कमी है, या इंटेंशन की कमी है? अभी तो यहाँ से बहुत काम हमें आगे करना है, एटलीस्ट 20-25-30 साल काम करना होगा, विच इज़ वेयर वी कैन टेक इंडिया टू, या भारत को हम उस जगह पे लेके जा सके जहाँ इंडिया बिलोंग करता है। कई बार हम बिजनेस आइडिया अच्छा होता है पर सक्सेस नहीं होता, उस केस में क्या है? फॉर एग्जांपल, मैंने एक आइडिया है, उस पर मैंने 25 लाख का लोन मिल गया मुझे मुद्रा से, एंड नाउ माय आइडिया इज़ नॉट अ सक्सेस। मैं एक साल बाद मेरा बिजनेस डूब गया, सो हाउ बैंक विल रिकवर दैट 25 लाख, और देर इज सम रिबेट और समथिंग इज बीन। हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट, जहाँ हम बात करते हैं बुक्स की और बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज की। एक कहावत है जहाँ कहते हैं कि घर में एक डॉक्टर एक लॉयर ज़रूर होना चाहिए। अब भाई, लॉयर आपके घर में हो ना हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास ये डिफॉल्टर्स पैराडाइज लॉस्ट बुक ज़रूर होनी चाहिए, जो कि लिखी है अनंत मरेठिया जी ने। अगर मैं आपको अनंत के बारे में बताऊँ तो अनंत इज़ प्रैक्टिशनर कॉर्पोरेट लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट लॉयर। इस बुक में बहुत कुछ IBC के बारे में बात की गई है। आई हैव रेड दिस बुक, इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन बुक अबाउट लॉज, और हम सबको कुछ कुछ हद तक लॉज और रेगुलेशंस पता होने चाहिए। तो आइए बात करते हैं अनंत के साथ और डिटेल में समझते हैं कुछ लॉज के बारे में। इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक सुनना, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम बहुत टेक्निकल लॉज में जाएंगे, बट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सबको होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बुक्स के मंदिर का फटाफट बेल आइकन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए बात करते हैं अनंत के साथ। सो वेलकम अनंत टू आर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की, और जनरली बुक्स के अंदर की थ्योरीज की। मेरे पास बहुत सारे लोग कहते हैं बुक का रिव्यू दो, तो मैं कहता हूँ मैं बुक का रिव्यू भी नहीं देता, क्योंकि मेरे हिसाब से हर बुक बेस्ट है, क्योंकि हर बुक में इतनी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को लेना ज़रूरी है। रेटिंग देना या रिव्यू देना, इट्स नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आर शो। बड़ा प्लेजर फील कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हिमांशु जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक फॉर कमिंग। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई दिस बुक? क्योंकि बीइंग अ लॉयर, अपना एक लॉयर्स का ना अपना एक काम है, और आई नो यू हाउ मच बिजी यू आर, तो उस बिजी शेड्यूल के बीच में राइटिंग डिफॉल्टर्स पैराडाइज, ये कहाँ से आइडिया है? व्हाई यू हैव रिटन दिस बुक? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है हिमांशु जी, कि एज अ लॉयर, एज इट इज़, वी आर ऑलवेज यू नो, हम लोग हार्ड प्रेस फॉर टाइम रहते हैं। हमारे कोर्ट का स्केड्यूल ऑब्वियसली ऊपर नीचे चलते रहता है, बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन रहती है, सो देर इज़ ऑलवेज अ टाइम शॉर्टेज। लेकिन मेरी एक शुरू से ही मन में एक मंशा ऐसी रही है, और मेरे कुछ आइडल्स भी ऐसे हैं लीगल इंडस्ट्री में, या जो उसका बोल लीजिए लीगल फ्रेटर्निटी में, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं पास्ट में। ऑफकोर्स उन वो बुक्स टेक्निकल हैं, थोड़ी ज़्यादा कमेंट्रीज हैं। मेरा इस बुक को लिखने का पर्पस ये था, या उद्देश्य ये है, और इसके बाद भी जो मैं लॉ की, मैं एटलीस्ट मेरा जो मेरी जो आइडिया है, जो मैं आने वाले समय में जो बुक्स लिखूँगा, किसी भी एक लीगल सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करके नॉन लीगल फ्रेटर्निटी, हो सकता है लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी हों, कॉमन मैन जिसको आप बोल सकते हैं, आप ऐसे कोई भी स्टेक होल्डर जो अफेक्टेड पार्टी है, उसको आइडिया होनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, आपको कोई लीगल इशू आया, सबसे पहले इंसान ना, बहुत कॉमन एक ये हो गया कि सबसे पहले जाके ऑनलाइन चेक करता है, गूगल में चेक करता है। अब वहाँ उसको बहुत सारे डाइवर्स व्यूज मिलते हैं, कहीं एक चीज़ कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ और लिखा हुआ है। ये मेडिकल में भी होता है, लीगल में भी होता है। ऑफकोर्स प्रोफेशनल्स आर द बेस्ट, आप अपना प्रोफेशनल से एंगेज कीजिए, और वो तो आप करेंगे ही, इवेंचुअली प्रोफेशनल को एंगेज करेंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन एक हद तक नॉलेज, अवेयरनेस, स्प्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ लीगल सब्जेक्ट्स, आई चूज दिस वन पर्टिकुलर, मैंने इसको चूज किया क्योंकि मेरा काम काफ़ी हद तक इस सेक्टर में रहा है, बट ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो मैं बोला ठीक है, वाई नॉट शेयर इट विद पीपल। बट इवन अदरवाइज इट्स गुड फॉर पीपल, आई वुड से सिटीजन्स एट लार्ज, एंड पीपल हु आर, फॉर एग्जाम्पल, इस बुक का जो ये है कमर्शियल सेक्टर के जो भी लोग हैं, जो लोग भी कुछ भी व्यवसाय, कोई काम, या कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं वन वे और दी अदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दे शुड नो वॉट अ बेसिक लॉ इज विच इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स। दैट इज़ द रीज़न इवन फॉर समथिंग वेयर हम स्टीरियोटाइप को ब्रेक करें, हम
एक टेक्निकल सब्जेक्ट को एक डिटेल्ड कमेंट्री की तरह नहीं समझा के उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाएं ताकि एक कॉमन पर्सन उसे समझ सके। और शायद ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि एज ए कॉमन मैन अगर मैं अपनी बात करूँ तो दो चीज़ों में हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। एक मेडिकल लाइन जहाँ पे कि मैं मतलब इतना ही ज्ञान होगा कि आप बच्चों को अगर सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो लेवलन एलिग्रा और क्रोसिन देना है, इसके आगे नीलपट्टा सन्नाटा। और अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा लॉयर्स के पास तो वहाँ तो आप मान के चलो कि कुछ भी नहीं आता। और छोटी छोटी चीज़ में भी अगर आप किसी से बहस भी कर लो, कह दे कि यार मैं FIR करने जा रहा हूँ, तो दो मिनट ही आपसे पका जाओगे कि यार ये FIR करने जा रहा है क्या होगा, क्योंकि आपको लीगैलिटी नहीं पता। और हर कॉमन आदमी शायद दिक्कत है कि उसको बेसिक जो लॉ है वो नहीं समझ उसकी। सो हाउ योर बुक और एनी अदर बुक व्हाट यू सजेस्ट कि कैसे कॉमन मैन शुड गो इनटू दिस एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ लीगैलिटीज कैसे समझ सकता है। काफ़ी हद तक आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा है इसका जवाब भी छुपा है। सो द पॉइंट इज दिस, आई विल टॉक अबाउट जेनरिक फर्स्ट और फिर मैं इस बुक पे आऊँगा। देखिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है और मैं तो इनकरेज करता हूँ कि जो भी स्पेशलिस्ट हैं जो एरिया के, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एक एरिया है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट्स का काफ़ी कुछ काम होता है, तो अब वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। अब कॉमन मैन या जो एक नॉर्मल इंसान है जो बिजनेस कर रहा है वो उससे इम्पैक्टेड है कैसे ना कैसे तरीके से, अननोइंगली या नोइंगली शायद वो कुछ ऐसा काम कर ले जो कल किसी और के हिसाब से उनकी कॉपीराइट या उनके ट्रेडमार्क पे इन्फ्रिंजमेंट हो जाए या कोई उन पे एक लीगल नोटिस भेज दे कि नहीं सर आपका लोगो हमारे लोगों से सिमिलर सा मैच करता है, हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, केस को कोर्ट में लेके जा रहे हैं। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है तो अब इसके ऊपर एक देखिए डेफिनेटली फर्स्ट रिएक्शन यही होगा कि आप चेक करेंगे एंड देन यू विल गो टू अ प्रोफेशनल। लेकिन अगर आपका रेगुलर कुछ इस तरीके का काम है जहाँ आपको इस इशूज़ के इस टाइप के इशूज़ आ सकते हैं या ऐसे रिस्क आप रन करते हैं, तो आई थिंक देर आर सम बुक्स एंड देर इज़ अ नीड ऑफ लॉट मैनी बुक्स इन दिस, इफ आई मे से, एक नया जॉनर जिसको हम एक सेक्शन क्रिएट होना चाहिए कि सिंपल रीडिंग नॉन लीगल फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन लीगल बुक्स, सॉरी द नॉन फिक्शन में लॉ, उसकी डेफिनेटली ज़रूरत है। जैसे आपने क्रिमिनल लॉ की बात की, अब क्रिमिनल लॉ में ही हमारा पुराना जो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब चल रहा था, एविडेंस एक्ट। अब तीन नए कानून आए हैं पिछले साल सरकार ने पास किए, जहाँ नया हमारा क्रिमिनल सेक्टर सिस्टम, पिनल कोड, हर चीज़ का एक रिवैम्प्ड वर्शन आया है। डेफिनेटली बुक्स आएंगी जो इन तीन लॉज पे फोकस करेंगी, लॉज के लिए कमेंट्री आएंगी लॉयर्स के लिए। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति को समझना है कि हाँ FIR के बाद का क्या प्रोसेस है या उसके पहले का क्या प्रोसेस है, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, हालांकि मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपका सवाल ये था, आई थिंक उसके ऊपर अगर कुछ ऐसी ऑथेंटिक मटीरियल अवेलेबल होगी वो लोगों को बहुत काम आएगी। हाउ डिफरेंट हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ हो गया और आपका कॉर्पोरेट लॉ हो गया, हाउ डिफरेंट दीज बोथ आर, मतलब एज ए कॉमन मैन मेरी तो गलती करी है तो दोनों ही गलती है, मेरे क्राइम है तो एज इन लीगल टर्म्स व्हाट द डिफरेंसेस। तो मैं इसको थोड़ा सा एक और वाइडन कर देता हूँ। क्रिमिनल लॉ तो देखिए एक इट इज़ मोर विद रिस्पेक्ट टू, जिसको हम कहते हैं कि अब जो क्रिमिनल लॉ का जो डेफिनेशन होने लग गया है वो पहले तो होता था कन्वेंशनल, वही आपके जो एकदम हार्ड कोर क्राइम्स, मर्डर, ये वो उस टाइप की चीज़ें, फिर देर आर ऑल्सो पेटी ऑफेंसेज, उसको वो भी क्रिमिनल लॉ के अंडर में आता है। अब क्रिमिनल लॉ में काफ़ी और चीज़ें भी आने लग गई हैं, जैसे कि कुछ फोर्जरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कोई ऐसा कोई वायलेशन हो जाए जो अगेन दैट विल लीड टू थेफ्ट ऑफ सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो क्रिमिनल लॉ भी अब एक्सपैंड कर रहा है। एक हो गया एक तरह से प्योर कन्वेंशनल क्रिमिनल लॉ जो समय से चले आ रहा है 70-80-100 साल से, और एक न्यू एज क्रिमिनल लॉ पिछले 15-20 साल की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको वो कवर करता है कि हाँ कहाँ कोई चीज़ गलत है। और क्रिमिनल का अल्टीमेट मतलब ये है कि वहाँ चांसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा होते हैं अगर आपने कुछ गलती की है। फिर होता है आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ में आप ज़्यादातर बात करते हैं इनहेरिटेंस, सक्सेशन, फैमिली, प्रॉपर्टी के इश्यूज़, ये सब आते हैं आपको सिविल लॉ के डिस्प्यूट्स, ये भी हमारे चलते आ रहे हैं। मैं अगर इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो भी हमारे 75-80 साल से चलते आ रहे हैं। कॉरपोरेट लॉ वाला जो सेक्टर है उसमें भी अगर आप देखें तो एक तो हो गया जो आपने बोला ना कि जो गलती करी या फिर जो जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट
या किसी भी अग्रीमेंट या किसी भी कॉरपोरेट रिलेशनशिप का उल्लंघन किया गया, दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अग्रीमेंट बोलते हैं, तो वहाँ जो वहाँ पर एक दोनों के बीच में एक डिफ़ॉल्ट होता है या कहीं कुछ होता है, तो उसको आप लीगल सिस्टम में लेके जाते हैं और जो भी जुडिशरी डिसाइड करती है। कॉर्पोरेट लॉ में ये भी आता है आजकल, इनफैक्ट अब नहीं, पिछले 20 साल से है, जहाँ आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनीज के आईपीओस निकलते हैं, जिसे हम कैपिटल मार्केट्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ भी खुद में बहुत वाइडेंड है। तो वो बहुत बड़ी दुनिया है, जैसे मेडिकल में भी आपकी स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, वैसे वैसे ही अब लॉ में भी हो गया है। ये आप शायद आपके स्टूडेंट्स जो ऑडियंस होगी उनके लिए एडवांटेजेस होगा ये समझना कि हाँ, देर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज। तो कॉर्पोरेट लॉ इन सिंपल वर्ड्स इज वेयर यू आर डीलिंग विद कंपनीज। कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी, हम सिर्फ इंडिया के टॉप 50 कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ विल बी एप्लीकेबल टू एनी कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपकी लिमिटेड कंपनी हो, LLP हो, उन पर इम्पैक्ट करता है, और उनके फिर रनिंग को, उनके इनकॉर्पोरेशन से लेके, समझ लीजिए जन्म से लेके अगर वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन या ख़त्म होता है कंपनी, तो वो पूरा गवर्न करता है एक तरह से कॉर्पोरेट लॉ एक न एक रूप में। तो वो जनरली जैसे कि एक कॉमन मैन की तरह ही पूछ रहा हूँ, जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, हम आग बंद करके साइन मार देते हैं, सो दिस ऑल्सो कम्स इनटू कॉर्पोरेट लॉ। इंश्योरेंस की देखिए ये चीज, देयर एक्चुअली सेपरेट इंश्योरेंस लॉज एंड देयर आर, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अगर मैं बहुत थोड़ा अगेन वाइडर फ्रॉम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव लूँ, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। इंश्योरेंस लॉज अपने अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो ये है कि जब आप किसी चीज़ में साइन करते हैं, चाहे आप आँख बंद करके कर रहे हैं, आपके पास नेगोशिएशन का पावर नहीं है, या जो भी सिनेरियो में आप किसी चीज़ को साइन कर रहे हैं, आप अपने आप को उससे बाइंड कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये सब फॉलो करूँगा, या फिर आपने जो जो लिखा है वो सारे चीज़ मुझसे अग्रीएबल है, आई एम अग्रीएबल विद देम, और आपकी तरफ से कोई गलती होगी तो आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, दैट इज़ यू द पर्सन हु इज साइनिंग, और सामने वाले के तरफ से कोई गलती हुई तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है कि उनका क्या ऑब्लिगेशन होगा, उनका क्या एक्सपोजर होगा, वो उनको बाइंड करेगी। ये हो जाता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, देखिए जहाँ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, आप बैंक में कोई एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, ये सब बात करें, तो साइंड फॉर्मेट्स होते हैं उनके, सॉरी प्रिंटेड फॉर्मेट्स, तो बहुत आपके चांसेस बहुत ही कम है कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं वहाँ पर। वहाँ नेगोशिएशन आती है एक सर्टन स्केल पे, जिसकी हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली। लेकिन जहाँ भी आप दो प्राइवेट पार्टीज अगर अग्रीमेंट में किसी भी रकम के कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ रही हैं, अग्रीमेंट साइन कर रही हैं किसी भी रूप में, भले ही आपके पास नेगोशिएटिंग पावर कम हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल आप किस चीज़ में क्या अपने आप को कमिट कर रहे हैं, कहाँ अपने आप को बाइंड कर रहे हैं, ताकि कल खुदा ना खास्ते अगर आपको वो चीज़ इट डजेंट किक ऑफ वेल, इसमें डिफॉल्ट हो जाता है, बिजनेस वर्कआउट नहीं करता है, पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो यू शुड, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आप उसका फिर रेमेडी क्या है। आप कोर्ट में जाएंगे, आप आर्बिट्रेशन करेंगे, आप कौन से कोर्ट में जाएंगे, सामने वाला आपको साथ क्या करेगा, आपके ऊपर कितने लाखों या करोड़ों रुपए की लायबिलिटी आ सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा समय बदल रहा है, कि आप कुछ भी साइन करें प्लीज़ उसे पढ़िए, समझिए, नहीं समझ सकते हैं तो जो भी एक प्रोफेशनल हेल्प आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लीजिए, और फिर उस पर साइन कीजिए, सो डैट आपको एटलीस्ट अवेयरनेस हो। तो जैसे आपने कहा नेगोशिएशन पावर कम है या नहीं है, लॉ क्या कहता है? कैन अ कॉमन मैन नेगोशिएट विद अ बैंक व्हाइल साइनिंग एन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट और ए होम लोन डॉक्यूमेंट, या नहीं कर सकता? इट्स लाइक नो, जो उन्होंने दिया वही साइन करना कंपलसरी। लॉ एज सच इस चीज़ पर साइलेंट है, लेकिन लॉ ये भी तो नहीं कहता है कि आपको करना ही पड़ेगा। देखिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इट इज़ योर ओन विल एंड विश। आप लोन लेते हैं, वो आपका खुद का विल एंड विश है। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जो आप गवर्नमेंट के साथ, जैसे अब आप आज बहुत जगह होता है आप ऑनलाइन कुछ करते हैं, आई अग्री बाई डिफॉल्ट, अगर आप नहीं करेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अगर यू आर डीलिंग विद द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या किसी एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ आपको अग्री करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी ये भी चीज़ काफ़ी, जैसे आधार का जब केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा कि कहाँ पर कुछ चीज़ों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कुछ स्ट्राइक डाउन किया, काफ़ी चीज़ों को अपहेल्ड किया। तो कोर्ट ये रोल प्ले करता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट इस देश का, जहाँ उन्हें लगता है कि नहीं, ये लोगों के साथ
अनरीजनेबल या अनफेयर हो रहा है. और कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ दीज इशूज, एज सच लॉ इट बेसिकली इट्स अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग. तो आपको हाँ ये बट ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि ऐसे काफ़ी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ आप कुछ साइन कर रहे होते हैं, यू डोंट रियली हैव मच ऑफ अ चांस टू नेगोशिएट. और सर इसकी जो आपकी बुक बात करती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये क्या चीज़ है, मतलब व्हाट इज दिस कोड ऑल अबाउट? पहले मैं इस कोड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा समझना कि ऐसा एक कानून क्यों लाना पड़ा और क्या क्या देश की ये कानून 2016 में आया. 2016 में आया तो क्यों, किस किन परिस्थितियों में इनको लाना पड़ा, देश की क्या आर्थिक व्यवस्था थी जिसके चलते ऐसा एक कानून लाना पड़ा. देखिए थोड़ा हमें सब पीछे जाना पड़ेगा समय में. 1991 में जो आपके जो रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन के, उस समय भी अगर आपको ध्यान हो तो वो रिफॉर्म्स जो नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट में लाए गए थे वो कोई बहुत ही वो मतलब इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ की ना, वो बहुत प्राइड से या चॉइस से लेके आ रहे थे. दे वर लेफ्ट विद रादर वेरी लिमिटेड चॉइसेस. फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो चुके थे, उनको कैसे भी पैसा लाना था फॉरेन से, ओपन करनी थी इकोनॉमी. इट सो टर्नड आउट की समथिंग विच दे डिड इन अ सेंस ऑफ ऑप्शन नहीं था, इट टर्नड आउट टू बी वेल फॉर द कंट्री. बहुत अच्छी बात है. ये जो बाहर का पैसा आने लगा इंडिया में बिजनेस इकोनॉमी, पहली बार ऐसा लगने लगा कि अब इंडिया जो है हमारा एक जो एक सोशलिस्ट सा अप्रोच लिया हुआ था हमने 60s 70s तक, 50s 60s तक तो बिल्कुल वैसा था. 70s 80s में हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल इतना चल रहा था कि हाँ ठीक है, कुछ वो लाइसेंस राज वगैरह का समय था, प्लस पॉलिटिकल टर्मोइल पुट टुगेदर, हमारी कोई क्लियर कट इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी. ना हम कैपिटलिज्म की तरफ स्पेसिफिकली जा रहे थे, ना सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे, दोनों तरफ हमें बीच में खिंचाए जा रहे थे. क्योंकि 80s में अच्छी इंडस्ट्रीज उभर रही थी, तो वो हो गया आपका कैपिटलिज्म, और एक तरफ ये भी था कि नहीं आपको चीज़ों को कंट्रोल में रखना है. लेकिन 90s के बाद बिजनेसेस उभरने लगे, बहुत चीज़ें हुई अच्छी. 2004-2005 तक काफ़ी बिजनेस की ग्रोथ हुई, अच्छी बिजनेसेस आए, इनकी ग्रोथ हुई. 2004-05 के बाद और 2004-14 वाली जो सरकार है जिसके बीच में बहुत बहुत सारे इश्यूज हुए, क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा 2016 में ये लॉ क्यों लाए गए. 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार उनके जो पीरियड का जो ये हुआ टेन्योर ख़त्म हुआ, तो उस टाइम जो इंडिया की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि जो परसेंटेज था वो रीजनेबल था काफ़ी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज समवेयर अबाउट 6-7%. सॉरी टू इंटरप्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब ऐसी कंपनीज जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं या बंद पड़ी हैं, दैट्स द मेन. नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नॉर्म्स वैसे चेंज होते हैं, बट इट्स अ बैंकिंग टर्म. अगर एक बैंक ने लोन दिया है एक कंपनी को और अगर वो कंपनी उसका इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर पा रही है 90 दिन तक, 120 दिन तक, ऐसा कुछ, तो दोज नॉर्म्स चेंज, देन दैट इज मूव टूवर्ड्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ओके, सो बेसिकली अ लोन अमाउंट विच इज नॉट बीइंग एबल टू रिकवर, कहीं ना कहीं उनका डिफॉल्ट चालू हो गए हैं. Okay. और अगर कंसिस्टेंटली हो गए देन इट काइंड ऑफ गेट्स डिक्लेयर्ड एज एन NPA. ओके, सो ऐसे काफ़ी कंपनीज थी जिन 2004 में लिमिटेड कंपनीज थी, क्योंकि जो एक्सपेंशन के लिए पैसे भी दिए जा रहे थे वो एक लेवल पे दिए जा रहे थे. 2005-06 के बाद से आई थिंक हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, फ़ोन बैंकिंग ये सब सारी चीज़ें होने लगी. 2008 में आया आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट कपल्ड विद देन बैक टू बैक, अगर आप 2008-09 से देखेंगे 2013-14 तक बैक टू बैक स्कैम्स हुए, 2G स्कैम हुआ, लाइसेंसिंग स्कैम हुआ, आपका कोल स्कैम हुआ, आपका ये टेलीकॉम वाला जो लाइसेंस स्कैम, और मोरलेस हर स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसेस को इनवैलिड कर दिया, कोल ब्लॉक्स को इनवैलिड कर दिया. तो उसके चलते काफ़ी सेक्टोरल हलचल भी थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हिला हुआ था पूरा उस समय. जो 2009-10 से लेकर 2014-15 का समय था, उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो लोगों के समय नज़र से आई थिंक स्लिप हो गई या लोगों को उतना समझ में नहीं आया, कि 2004-05 से लेकर 2008-09 तक काफ़ी ऐसे लोन्स दिए गए काफ़ी कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, जिनकी एक्चुअल जो लेंडिंग जो दी गई ना प्रोजेक्ट में शायद प्रॉपर क्षमता थी, ना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस किया गया, स्क्रूटिनी नहीं की गई और लोन्स दिए गए, फेवरेटिज्म बोल लीजिए जो भी बोल लीजिए. अब ये जो लोन्स थे, क्योंकि कोई जेन्युइन ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा था लोन्स को देने का, या जो लेने वाला था उसका, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान गलत हो, कहीं पर एक्चुअल प्रोजेक्ट भी मिसफायर हुए, कहीं कैलकुलेशन इश्यूज हुए,
कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आई, मिक्स प्लस स्कैम्स प्लस करप्शन, मिक्स एंड मैच ऑफ मल्टीपल रीजंस, अल्टीमेट सिचुएशन ये हुई कि 2010-11 के बाद से काफ़ी अकाउंट ऐसे होने लग गए. मैं जब अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक के लोन अकाउंट, जिन्होंने लोन दिए हैं 500 करोड़, 10,000, 5,000 करोड़, उन्होंने उन अकाउंटों ने स्ट्रेस दिखाना चालू किया. मतलब कहीं ना कहीं कैश फ्लो में प्रॉब्लम आने लगी, इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर पा रहे थे, ये चीज़ होने लगी. लेकिन समहाउ फर्दर जोल्ट न लगे इकोनॉमी को, या क्या थॉट प्रोसेस थी गॉड नोज, 2011-12 से लेके 2015-16 तक, या 2014-15 तक, एक समथिंग कॉल विंडो ड्रेसिंग बोल लीजिए या एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स किया गया, जहां पर 31 मार्च को जब बैलेंस शीट्स क्लोज होती हैं कंपनीज की भी बैंक्स की भी, तो उनको इस तरीके से एक प्रोसीजर किया गया कि ऐसा लगे नहीं कि यह कंपनी की हालत ख़राब है. बैंक ने कुछ एडिशनल फंडिंग दे दी, उसी को बैंक ने वापस ले लिया इंटरेस्ट के रूप में, ताकि क्या बैंक की बैलेंस शीट में भी नहीं दिखे कि हाँ ये कंपनी तो बिल्कुल ही डिफॉल्टर है. इधर इनको भी लग रहा है चलो ठीक है, बैंक पैसे दे रहा है, हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं. कुछ पैसे इसमें देखे जेन्युइनली ये भी हुए हैं कि साइफन आउट हुए हैं. मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसे 100 अगर अकाउंट्स में पैसे दिए गए, आराम से 30-40 अकाउंट्स ऐसे हुए होंगे, या अगर आप उसको 1000 अकाउंट्स को आप 400 अकाउंट, 30-40% अकाउंट्स में जो पैसे बैंकों के पब्लिक सेक्टर मनी के दिए गए, जो हमारा आपका हार्ड अर्न मनी था, वो पैसा प्रमोटर्स ने बिजनेस में यूज़ ही नहीं किया. वो कहीं ना कहीं उसको साइफन आउट करके किसी और कंट्री में कोई और अपना एसेट ले लिया, या उसको अपना किसी ऐसा कि चलो कल 19 समय आएगा तो उसको यूज़ करेंगे, वो पैसा कहीं जाके बाहर पार्क हो गया, वो वापस सिस्टम में लगा ही नहीं. तो ये चीज़ें इसके चलते ये हुआ कि हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो वगैरह ठीक चल रहा था, इकोनॉमी एज सच ऑन पेपर ऑफ द फेस ऑफ इट ठीक चल रही थी. लेकिन जब 2014 में जब ये सरकार आई और इन्होंने चीज़ों को संभालना चालू किया, देखना चालू किया, चीज़ों में इन डेप्थ में गए, आरबीआई को थोड़ा बोला कि भैया आप स्ट्रिक्ट होइए, हो क्या रहा है, तब बहुत सारे उस समय ऐसे खुलासे हुए, उस समय ऐसे वाइट पेपर्स आए, स्टेटमेंट्स आए आरबीआई गवर्नर्स के, जहां ये देखा गया कि ये सारी चीज़ें हो रही थी. उस समय पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, नाउ वी विल हैव टू गो विद सम, नॉट जस्ट वन थिंग बट एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लेना पड़ेगा. उसमें से एक बड़ी चीज़ थी ये इंसॉल्वेंसी कोड, क्योंकि 10-1 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्यूमुलेट हो चुके थे. नीरव मोदी और माल्या जैसे इश्यूज आपके हो चुके थे, जो लोगों ने 20,000 करोड़ 19,000 करोड़ दोनों के बीच में, 12,000 करोड़ एक जगह और 9,000 करोड़ एक जगह, जहां पैसे को आउट ऑफ थिन एयर बनी वॉज क्रिएटेड, और गलत यू नो बैंक अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के बेसिस पे लोन दिए गए, वो सब सारी चीज़ें सब जानते हैं लोग. अब इसको आप क्लियर अप कैसे करेंगे इस मेस को? या तो आप ये करें कि आप इसको बस हर बार ऐसे ही करते रहें, विंडो ड्रेसिंग करते रहें. तब 2014-15 में सरकार ने 2-3 कड़े डिसीजन लिए. एक ये था कि ठीक है, जितने भी लोन्स एक्चुअली डिफॉल्टेड है, हम उनको डिक्लेयर करेंगे कि ये डिफॉल्ट है. जिसको बोलते हैं ना, आप स्वॉलो करें पॉइजन पिल को, लेकिन अब करना पड़ेगा, उपाय नहीं है. तो एक तो 15-16-17 के बाद से जो एक्चुअल सिचुएशन थी उनको एक्सपोज करना चालू स्टार्टेड हैपनिंग. 2018-19 में हमारा ग्रॉस एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक का 15-16% था और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 11-12% था. तो आप ये सोचिए, बैंक का 100 रुपया दिया हुआ है और उसको अगर उसमें से 86 से 87 रुपीज़ वापस आने वाले ही नहीं हैं, तो वो जो 13 रुपये का लॉस है वो बैंक किससे मेकअप करेगी? मेरे आपके जैसे लोगों से करेगी, हमारे जो FDs है उनके इंटरेस्ट गिरा के, और जो हमको जो पैसा वो लेंड करती है होम लोन और कार लोन में, जहां आपसे 100 पेपर साइन करवाती है, मेरे से भी 100 पेपर साइन करवाती है, हम लोग के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के. तो इंडिया हैड मूव टूवर्ड्स इन 2014 इनटू अ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी. हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स एक्सट्रीम लो पर थे. 6 महीना का हमारे पास इम्पोर्ट का पैसा था, जो कि हमारे पास 2004 में, अगेन व्हेन द वाजपेयी एरा वाज ओवर, हमारे पास 17 महीना के इम्पोर्ट का हमारे पास फंड थे, फॉरेक्स रिजर्व्स थे. तो इकोनॉमी हर एंगल से ड्विंडल कर रही थी. एंड दिस इज व्हेन वी हैड अ प्राइम मिनिस्टर हु वाज एन इकोनॉमिस्ट. दिस इज व्हेन वी हैड अ प्राइम मिनिस्टर हु वाज एन इकोनॉमिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इवन आई डोंट थिंक ही वुड कुड कंट्रोल एट. आई मैं उस पर ज़्यादा नहीं टिप्पणी कर सकूंगा, लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जिस इंसान ने इंडिया को वो LPG रिफॉर्म्स ला के दिया, उन्हीं के सरकार के समय 2004 से 2014 के समय ये इतनी सारी चीज़ें, और ये सारा डेटा ऑफिशियली अवेलेबल है, पब्लिक फोरम्स पर है, गवर्नमेंट वेबसाइट पर है, RBI पर है. आप और देर आर सर्टन फैक्ट्स जो कोर्ट में सिद्ध हो चुके हैं, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये रियलिटी है.
कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो गया, कैश फॉर वोट, ये दुनिया भर के स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम. सो इट वॉज लाइक, तो ऐसा लग रहा था कि रोज सुबह यूर गेटिंग अप यूर लिसनिंग अबाउट वन स्कैम, इट हैड बिकम अ कॉमन थिंग. फिर 2015-16 में गवर्नमेंट ने ये किया कि नहीं, इस चीज़ को क्लियर करते हैं. जिन कंपनीज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ मैं आ रहा हूँ अब थोड़े लॉ की तरफ, ये मैंने आपको एक ब्रॉडर इकोनॉमिक बैकग्राउंड दे दिया कि हमारी हालत क्या थी. 2015-16 में फिर ये लॉ लाया गया, 16 में स्पेसिफिकली, और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था. हमारा बहुत मोटा पैसा अब अटक गया है, 10 लाख करोड़ रुपये का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है. या तो हम ये जिसको बोलते हैं, अब ये सफ़ेद हाथी बोल लीजिए आप इसको, इसको आप बोल लीजिए डिस्ट्रेस्ड कंपनीज, सिक कंपनीज, या तो आप इनको लेके साथ में टान के चलते जाएं, या फिर इसका कुछ ना कुछ आप एक ऑपरेशन करके सॉल्यूशन करें. सॉल्यूशन क्या है? या तो इन कंपनीज को, इनके जो भी एसेट्स हैं, जो भी बचा कुचा जो भी है, उसको पुट दैट टुगेदर, एक रेजोल्यूशन बनाया जाए, रिवाइवल किया जाए. और या तो अगर वो प्रमोटर कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, वही प्रमोटर, या फिर वो प्रमोटर कोई उसके समय पर जेन्युइन मतलब एनपीए नहीं हुआ है, या वो बहुत ही कम परसेंटेज से, मोस्टली दे वर गेटिंग डिसक्वालिफाइड, अ थर्ड पार्टी कैन कम एंड बाय द कंपनी. फिर जब ये सिस्टम रोल आउट होना चालू हुआ 2017-18-19-20, पहले 4-5 साल इस लॉ ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, ये लॉ ने खुद ने. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज की चैलेंज हुई, हर स्टेप पर अड़चन आए, इम्प्लीमेंटेशन के, इंटरप्रिटेशन के, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आप एक चीज़ बोल रहे हो, लॉ ही कानून ही नया है, अब जो जुडिशरी में जो बैठे हैं अब उनको डिसाइड करना है. लेकिन कुछ मैं ये बोलूँगा कि कुछ, एक तो गवर्नमेंट का विल बहुत ही स्ट्रांग था कि नहीं इसको क्लियर करना है. एक पहले उनके 12 कंपनी की लिस्ट निकली थी डर्टी डजन के नाम से, SR स्टील, भूषण स्टील, ABG शिपयार्ड, काफ़ी कंपनीज उसमें थे, आई थिंक एमटेक ऑटो इंडस्ट्रीज, अदर कंपनीज वे देयर. सो उनका ये था कि नहीं, ये पहले जो हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करते हैं. और काफ़ी हुआ भी. भूषण स्टील वॉज टेकन ओवर बाई द टाटाज, 40,000 crores और समथिंग लाइक दैट. SR वॉज टेकन ओवर बाई अ जॉइंट वेंचर विद निपॉन एंड आर्सेलर मित्तल. उसी तरह आपकी रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर किया, इसी सब इस प्रोसेस के थ्रू, NCLT के प्रोसेस के थ्रू. क्वाइट अ फ्यू अदर एग्जाम्पल्स आर देयर लिया किया. बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी आते हैं कि ये लॉ इज़ हेल्पिंग कंपनीज, यू नो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको बेटर वैल्यू मिल सकती थी, सिर्फ 30-35% वैल्यूएशन पे ही उनको आप दे रहे हैं. मतलब बेसिकली कंपनी की टोटल डेट 100 रुपये है, कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, एक लिक्विडेशन वैल्यू सपोज 25 रुपये आ रही है और कंपनी आप 28-30 रुपये में दे रहे हैं. कहने का मतलब ये हुआ कि आज कंपनी को देनदारी है 100 रुपये की, आप उसको करोड़ों में देख ले, 100 मतलब आप उसको 1,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, 100 रुपये की देनदारी है किस किस को? बैंकर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वेंडर्स को, वर्कमैन, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका सारा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये वो, दुनिया भर के. तो जहाँ 100 रुपये का क्लेम है वहाँ कंपनी की वैल्यू निकल रही है मुश्किल से लिक्विडेशन वैल्यू निकल रही है समवेयर अराउंड 18-19%. और रेजोल्यूशन का जो अमाउंट जितने में एक्वायर करती है कंपनी वो होता है करीबन, आज की डेट का जो रिकवरी जो लेटेस्ट डेटा है 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से 32-33% की रिकवरीज है. हर 100 रुपये पे 32-33% की रिकवरीज है बाई एंड लार्ज, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए. बाकी लोगों के लिए कम है, वो उस सिस्टम में कुछ वैसा उस तरीके से बनाया गया है. लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी की वैल्यूएशन 20 रुपये या 18 रुपये है उसके अगेंस्ट 100 रुपये का क्लेम कैसे आ गया? इसका मतलब ये, वी गो बैक टू द प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले समझाया कि कंपनी के अगेंस्ट जो लोन्स दिए गए वो सही तरीके से स्क्रूटिनाइज नहीं किए गए थे, बहुत सारे फंडामेंटल चैलेंजेस थे, फ्लॉज थे. प्लस ये भी ठीक है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि काफ़ी कंपनी समय के साथ क्या होता है, एसेट्स आपके डिटोरिएट कर जाते हैं, प्लांट मशीनरी थोड़ी रस्ट कर जाती है, वो सब चीज़ें. लेकिन इतना ख़राब नहीं हो सकता है, 100 रुपये की चीज़ 70-80 रुपये हो सकती है. और बहुत सारे कंपनीज में तो लैंड प्रॉपर्टीज़ भी थी, तो प्रॉपर्टीज़ तो अप्रिशिएट हुई है 15 साल में. तो प्रॉपर्टीज़ अप्रिशिएट होने के बावजूद भी अगर आपका लिक्विडेशन वैल्यू टू बी नॉर्मल, आपको मैं रियल नंबर्स बता दूँ, 10 लाख करीबन 7,300 कंपनियां इंसॉल्वेंसी में प्रोसेस में डाली गई.
उसमें से करीबन 891 कंपनियों में रिवाइवल प्लान आए, 2,250 कंपनियों को लिक्विडेशन में डाल दिया गया, भैया इसमें कुछ होना नहीं है, इसको जो भी एसेट्स है इसको बेचो। अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लिक्विडेशन में भी आप रिवाइवल कर सकते हैं, कुछ उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाए जा रहे हैं, स्कीम ये उसमें नहीं जा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी, लेकिन फॉर कीपिंग इट सिंपल उसको नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि करीबन 2000 या 2100 कंपनियों में जब प्रोसेस चालू हुआ, विद इन अ फ्यू मंथ्स उनको सेटलमेंट करके अपील के स्टेज पे कैसे ना कैसे प्रमोटर्स ने कंपनी का ये जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस को क्लोज आउट कर दिया। इसका मतलब ये है कि पहली बार इंडिया में प्रमोटर्स को रियलाइज होने लगा है कि नहीं, ये रिस्की है, ये कानून एक टफ कानून है, हो सकता है मेरी कंपनी मेरे हाथ से निकल जाए, तभी लोग सेटलमेंट में सामने आ रहे हैं। अब ये जो कंपनीज जिन्होंने जिनके रेजोल्यूशन प्लान्स हुए या जिनके टोटल जो 7,000 कंपनीज में से जो जिस कंपनी के रेजोल्यूशन या स्पेशली रेजोल्यूशन प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, 890 कंपनीज, 891 कंपनीज की, 3,20,000 करोड़ का इनका रिकवरी हुई है इनके थ्रू ऑफिशियली। उसमें एक्चुअल उन कंपनी के अगेंस्ट उनकी जो लिक्विड, अगर उसको आप इस प्रोसेस में नहीं ला के बस लॉक स्टॉक बैरल लिक्विडेट कर देते, वो करीबन 2,00,000 करोड़ के अंडर थे, 50% ऑफ द रेजोल्यूशन वैल्यू ऑल्सो, विच शोज अगेन द सेम प्रॉब्लम कि कंपनी की क्या हालत थी। लेकिन एक चीज़ और इस कानून की जिसका सक्सेस आई थिंक विल टॉक इन इटसेल्फ, ऐसे 27,000 केस फाइल हुए हैं इस कानून के अंदर जिन्होंने फाइल लोगों ने किया, और कंपनी इंसॉल्वेंसी में एडमिट होने के पहले ही, इंसॉल्वेंसी मतलब वो प्रोसेस में एडमिट होने के पहले ही, जब मैटर कोर्ट में पेंडिंग है 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 8 महीना, 10 महीना, उतने समय में ऑलमोस्ट 10,00,000 करोड़, 9,70,000 करोड़ लोगों ने सेटल कर दिया क्रेडिटर्स को, जो अनबिलीवेबल है। तो 10,00,000 करोड़ रुपये आपका आ गया 27,000 केस में, जो आज तक इंडिया के किसी कानून में नहीं आया है। इससे एक चीज़ और क्लियर होती है, पैसा होता है, नियत नहीं होती है। अगर एक टफ कानून हो जिससे लोगों को डर लगे कि नहीं अब ये करूँगा तो ये मुझे गलत बैकफायर करेगा, लोग पैसा दे रहे हैं और पैसा निकल रहा है सिस्टम में वापस। अब इमेजिन कीजिए 3,00,000 करोड़ वहाँ रेजोल्यूशन में, 3.75 लाख करोड़ और 10,00,000 करोड़ यहाँ, प्लस और भी वॉलेंटरी लिक्विडेशन लिक्विडेशन में 50,000-70,000 करोड़ आए, 14,00,000 करोड़ रुपये 5 से 6 साल में सिस्टम में जब वापस आता है। जब मैं सिस्टम में वापस आने की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ये जो प्री इंसॉल्वेंसी सेटलमेंट्स है ये तो कई बार वेंडर्स को भी आए हैं, तो अगर आप ये सब देखें तो इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि इंडस्ट्री वापस रिवाइव हो रही है, खड़ी हो रही है। इस कानून के काफ़ी क्रिटिसिजम्स भी है, वील डिस्कस दैट, बट हाँ, दैट वॉज द नीड ऑफ द आर एंड दैट हैज़ ऑल्सो शोन रीजनेबल परफॉर्मेंस, एंड दैट्स वाई इसको बोलते ना, इस लॉ को बोला जाता है कि दिस इज अमंगस्ट अ फ्यू ऑफ द क्राउन ज्यूवेल लॉज दैट और अ फ्यू क्राउन ज्यूवेल्स दैट दिस गवर्नमेंट केम, एक GST था, एक IBC था, और डिमोनेटाइजेशन के लिए भी बोला जाता है कि एक जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी उसको काफ़ी हद तक उसने। सो आई वाज हैविंग अ क्वेश्चन आल्सो ऑन दिस, हाउ डिमोनेटाइजेशन इंपैक्टेड दिस IBC और वेदर इंपैक्टेड और नॉट? देखिए डायरेक्टली तो डिमोनेटाइजेशन और इंसॉल्वेंसी को आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के पहले ये तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा ही क्लियर कट जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी खुल के चल रहा था, एंड इट वाज वेरी इजी कन्वीनियंटली हो रहा था, तो जो बैंक लोन्स लिए जाते थे उसके पीछे जो करप्शन इन्वॉल्व था या जो हैंड इन ग्लव लोग होते थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही एविडेंट है, होता था। तो डिमोनेटाइजेशन से भी ये इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ कि ओवरनाइट जब आपका वो पैसा सिस्टम से निकल गया या ब्लैक मनी पे एक रोक हो गई या आपका सडनली एक कैश क्रंच हुआ, कुछ कंपनीज का डिमोनेटाइजेशन के चलते जेन्युइनली भी वो हिट हुई होंगी और वो इंसॉल्वेंसी में शायद रन हुई होंगी। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका बिजनेस ही पूरा मॉडल चल रहा था कच्चे में, जिसे हम बोलते हैं इंडियन के बिजनेस में एक कच्चा पक्का का चक्कर होता है बिजनेस का, जो ग्रे स्केल या ब्लैक इकोनॉमी या ब्लैक साइड ऑफ द कैश इकोनॉमी आप बोलते हैं। देखिए ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है या सही है, लीगली गलत है, लेकिन हाँ, एक वेंडर, एक स्ट्रीट वेंडर, एक नॉर्मल बिजनेसमैन, उसके लिए तो एक नॉर्मल ट्रेडर वहाँ तक ठीक है, किराने की दुकान रखा है जिसने, लेकिन अगर आपने लाखों लाख रुपए के आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं,
आयरन एंड स्टील सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आप रोज कर रहे हैं और डीमोनेटाइजेशन के पहले आप कैश में कर रहे हैं, तो फिर दैट इज़ गोइंग टू हैव अ ह्यूज बेयरिंग। फिर वो पैसा तो सिस्टम में कभी आएगा ही नहीं, फिर आप ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेंगे? ये देखिए, ये एक चीज़ नहीं है। अगर जैसे आपने एक्चुअली ये जो सवाल पूछा, इट्स गुड। डीमोनेटाइजेशन, IBC, GST, आधार, जनधन स्कीम्स, अगर आप इन सारों चीज़ों, UPI जो पूरा जो अभी जो चल रहा है, अगर आप इन सब चीज़ों को वैसे आप जब अलग अलग देखें तो शायद लगेगा हाँ अपनी अपनी जगह सबने अपना काम किया है, टेक्नोलॉजी 5G 4G टेक्नोलॉजी, लेकिन जब आप सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं, अगर आप एक फ्रेमवर्क में लेके आते हैं, आप रियलाइज़ करेंगे सब कैसे एक दूसरे को इनेबल कर रहे हैं इंडिया को आज प्रोपेल करने के लिए टू वेयर इट राइटली डिजर्व्स। फिफ्थ ग्लोबल इकोनॉमी हम बन चुके हैं। $4 million या $4 billion का हमारा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बींग द नेक्स्ट वन, आई मीन जो भी हमारा हेडिंग टूवर्ड्स बींग दी, आई थिंक विल बी नंबर 4 सून। सो और $5 billion हमारी इकोनॉमी होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। कच्चे का पैसा सिस्टम से निकला, इसका मतलब ट्रेडिंग बिकेम क्लीनर। GST में जो पैसा घुमाया जाता था कच्चे का, वो पूरा एलिमिनेट हो गया। वो एलिमिनेट होने से थिंग्स बिकेम क्लीनर। उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपके हुए UPI के सिस्टम्स एंड मोर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग चैनल्स, जनधन, आपके जो 50 करोड़ अकाउंट्स खुले, डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स लोगों को जाने लगी कि जो सैंक्शन होता है अगर 5,000 रुपये तो एक्चुअल बेनिफिशियरी को 5,000 मिलेगा। नहीं तो वही हो रहा था कि ऑफिशियल आता था यहाँ से एक सैंक्शन, नीचे आते आते 70% 80% उसको चल जाता था। तो वहाँ डीमोनेटाइजेशन ने हेल्प किया है। हाँ, इंसॉल्वेंसी कोड की जहाँ तक बात है, जो कंपनियाँ इंसॉल्वेंट हुई, कुछ देखिए जब बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं आप पूरे एक मेस्ड अप सिस्टम को क्लीन कर रहे हैं। जब आप 2014-15 में आप आते हैं और आप देखते हैं कि पूरे तो सिस्टम में ही मेस है, तो वो जो बड़ा क्लीनअप होता है ना, तो वहाँ कभी कभी कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। वो हम सबकी लाइफ में आप देखेंगे, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि यार किसी ने किया कुछ और अब एवरीबडी इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तो वो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट इज आई थिंक दैट समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। बट वन थिंग इज क्लियर माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग, दैट मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के स्टेप्स लिए। आई थिंक दे हैव डन अ परफेक्ट थिंग टू ब्रिंग दिस इकोनॉमी अप। दे हैव डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब। मतलब काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी सोच, उनका एक विजन है, वो विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो विजन पे प्लानिंग करके एक एक जब देखिए जब लोगों ने जब डीमोनेटाइजेशन आया बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं और वो सब हुआ। तो ये वो सब है, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लोगों को दिक्कतें हुई, उसी को मैं कोलैटरल डैमेज बोल रहा हूँ। जब GST आया, आज भी आप बहुत सारे ऐसे हमारे जो बिजनेस और क्लाइंट्स होते हैं, बिजनेस सेक्टर से बात कीजिए, वो बोलेंगे GST के कंप्लायंस ने मार दिया सर, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस है, मतलब हम फॉर्म ही फिल करते हैं ऐसा वैसा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एक बात अब इसकी आप मुझे बताइए, और एंड सी आई बी वेरी हैप्पी इफ समबडी कैन प्रूव मी रॉन्ग बट नॉट बीन एबल टू होपफुली। आपके पास स्टॉक, आप एक ट्रेडर हैं, आपके पास स्टॉक है एक्चुअली 50 करोड़ का, ठीक है, आपने वो स्टॉक मुझे बेचा, मैंने आपको पक्के में पैसा दे दिया, लेकिन आपने एक्चुअली वो स्टॉक मुझे, हमारा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आई पेड यू द मनी एंड यू पेड मी द अमाउंट इन कैश, कुछ अब परसेंटेज एक A to B, B to C, C to D, उससे क्या हो रहा है, हम सबका टर्नओवर बढ़ रहा है, हम 5 लोग हैं, हम एक दूसरे को बेच रहे हैं, आपने मुझे बेचा, मैंने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, घूम पे आपके पास आया, टर्नओवर सबका बढ़ा, सबके बुक्स में एक राउंड बिजनेस बढ़ा, उससे क्या हो रहा है, हमारा टर्नओवर बढ़ने से हम जाके बैंक को बोले देखिए हमारी इतनी टर्नओवर है, हमको आप लोन दीजिए, और या फिर हमारा इतना स्टॉक है, हमको लोन दीजिए। बैंक्स भी आपका टर्नओवर देख रहे हैं, बोला हाँ ठीक है, ये तो टर्नओवर कर रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मैग्नीट्यूड में। तो ये सब चीज़ें GST आने से, नाउ अब ई वे बिल के बिना, कंप्यूटराइज बिल के बिना, आपका ट्रांसफ़र ऑफ आपका जो मटेरियल है वो प्लेस ए से प्लेस बी जा नहीं सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को जब आप एक साथ देखेंगे, एज यू राइटली सेड, इन्होंने बहुत एक सोची समझी तरीके से चीज़ें की हैं। हाँ, गलतियाँ कई जगह कुछ चैलेंजेस आए हैं, GST इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आया, टेक्नोलॉजी पुअर है कई जगह, पुअर तो नहीं बोलूँगा, टेक्नोलॉजी में अभी चैलेंजेस हैं, कई जगह सिस्टम्स काम नहीं करते हैं, लोगों को लास्ट मिनट तक वो फाइलिंग्स करने पड़ते हैं। IBC में अगर आप बोलेंगे, क्रिटिसिज्म ये है कि जो ट्रेड क्रेडिटर होता है या जो वेंडर होता है सिंपल सा, उसकी कोई से ही नहीं है सिस्टम में, उसको शायद कुछ मिलता ही नहीं है, तो उसको तो मतलब कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में जा रही है तो मान के चलना पड़ेगा उसका पूरा राइट ऑफ है, वो उसका प्रॉब्लम है। अगर आप और भी सेक्टर्स में बात करें जो चेंजेस ये लाए हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं हर जगह,
लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर देखें, अगर आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करें या नेशनल एंगल से बात करें, तो डेफिनेटली दिस इज दीज 10 years हैव बीन अ गेम चेंजर टू कम फ्रॉम एब्सोल्यूटली अ ब्लैक ईरा आई वुड से टू नाउ एटलीस्ट वी हैव कम टू अ क्लीनर ईरा। अभी तो यहाँ से बहुत काम हमें आगे करना है, एटलीस्ट 20-25-30 साल काम करना होगा, विच इज़ वेयर वी कैन टेक इंडिया टू, या भारत को हम उस जगह पे लेके जा सके जहाँ इंडिया बिलोंग करता है। क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल जीडीपी अबाउट 25%। आज हम लोग वो 4-5-6% में वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम अपनी अपनी जगह कहाँ बनाए, क्या करें। सो देयर्स अ लॉट, बट इन दिस कंप्लीट सिस्टम देयर आर स्टिल लूप होल्स। यस, एक दो एग्जांपल मेरे सामने मैं देखता हूँ। अगर आप छोटे शहरों में जाओ जहाँ पे छोटा बिजनेस चल रहा है, फॉर समवन इज हैविंग फॉर एग्जांपल हार्डवेयर शॉप है, वो अभी भी कच्चे में सामान ला रहे हैं, कच्चे में सामान बिक रहा है एंड कोई टैक्स पेमेंट नहीं हो रहा है वहाँ। सिमिलरली अगर आप बिल्डर्स का देखो, स्पेशली अगर मैं एनसीआर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बिल्डर्स क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स खड़े करें, हर प्रोजेक्ट को अलग अलग रजिस्टर कर रखा है। अब जब प्रोजेक्ट एक खड़ा होने वाला है, रेडी है, सबका पेमेंट आ चुका है, देन दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंसॉल्वेंट। अब वो प्रोजेक्ट गया, बाकी दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर सेल भी चल रही है, सब चल रहा है, एक्चुअली दे आर जस्ट होल्डिंग दैट मनी। अब और सफर कौन कर रहा है? कॉमन मैन। सो इज इट नॉट दैट दिस लॉज दे आर ट्राइंग टू ट्वीक दिस लॉज एंड मैं ऐड करूँगा इसमें इनफैक्ट और लेकिन उसके पहले मैं क्लैरिफाई करूँगा, पहले मोर इम्पॉर्टेंटली जो रियल इस्टेट सेक्टर है। देखिए, जब आई ये कानून आया, सबसे पहले तो होम बायर्स का कोई सही नहीं था इसमें, विद बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया आपका भी से होगा, आपको भी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में सीट मिलेगी, आपका भी जो आपका जो ड्यू है उस हिसाब से यू विल हैव अ रोल इन दी प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। यहाँ मैं एक और कानून की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूँगा, विच इज रेरा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो रेरा में भी करीबन 25,000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं एज इन लेट 2023। उसके पहले तो बिल्कुल ही, मतलब इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, मनमानी थी। जो आप चाहे कर रहे हैं, मतलब अगर इफ़ यू आर अ बिल्डर यू आर डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड द होम बायर इज एट योर मर्सी। ना उसके पास ये क्लैरिटी है कि कब प्रोजेक्ट आएगा, ना कंप्लीट होगा, ना उसके पास ये क्लैरिटी है कि कब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, कब कैसे सिस्टम आगे, हाउ विल अल्टीमेटली द प्रोजेक्ट बी कम्प्लीटेड, ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द बिल्डर। रेरा आने के बाद एक तो ये हुआ कि इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लाए गए कि जो पैसा आ रहा है बिल्डर के पास, उसको एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं कर सकता है। 70% या 75% ही हैज़ टू कीप इट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली। तो उस टाइप की चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं रेरा आने के बाद। लेकिन रेरा इज़ मोर लाइक अ रेगुलेटरी लॉ। रेरा में हमने कोई गेम चेंजिंग ऑर्डर्स नहीं देखे हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्डर होता है कि आप रिफंड कर दीजिए पूरा पैसा होम बायर को। तो रेरा भी रिलेटिवली अपनी जगह सक्सेसफुल रहा है। अब रही बात इंसॉल्वेंसी के एंगल में, देखिए इंसॉल्वेंसी में क्लासिक केस वुड बी जेपी इंफ्रा, जहाँ 20,000 होम बायर्स हैं। अगर आप ये मान के चलिए कि सपोज ये आईबीसी नहीं होता, आप कंज्यूमर कोर्ट में या मिला जुला के वही कंज्यूमर कोर्ट प्लस सिविल कोर्ट्स प्लस आई डोंट नो आप वैसा कुछ कर रहे होते, तो वेयर वुड दैट हैव बीन? आई कॉन्ट थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कि कंपनी का क्या होता। होम बायर्स का तो कोई सोल्यूशन होता नहीं। आज कम से कम ये तो मालूम है ये कंपनी सुरक्षा ARC ने उसको एक्वायर किया है, उसमें वो पैसे भी इन्फ्यूज करेंगे और लोगों को या तो पैसे मिलेंगे या उनके घर मिलेंगे, 3-4 साल का टाइम फ्रेम दिया गया है। लेकिन मैं ये बात भी मानूंगा, आपसे अग्री करूंगा कि हाँ, देखिए इंडिया में हमारी ये थिंकिंग ना, आपके मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा कि रादर आई वुड से मैं इसको स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी पर नहीं डालूंगा कि बिल्डर्स ऐसा करते हैं या ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। एक हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा रहा है शुरू से कि जहाँ लूप होल दिखे चलो उसको थोड़ा सा प्ले अराउंड कर लो ताकि हमारा कुछ वी आर सिक्योर्ड, वे में तो कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वो तो हमारी देखिए माइंडसेट की एक समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। और अब जो जनरेशन आ रही है बिजनेस में, अगर आप देखेंगे अब जो अब टेक ओवर कर रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इतना कुछ देख लिया ना पिछले 8-10 साल में, 5-7 साल में चेंजेस, वो अब हैसल फ्री टेंशन फ्री काम करना चाहते हैं। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले 5-10 साल में आप जो आज जो थोड़े मैं बोलूँगा ट्रबल्ड सेक्टर्स है रियल एस्टेट या ऐसे कुछ सेक्टर, आई बिलीव कि यहाँ थोड़े प्रैक्टिसेस विल बिकम बेटर, दे विल बिकम मोर एथिकल। क्योंकि ये हमारे इश्यूज़ भी लेगेसी इश्यूज़ है ना, 30-40 साल पुराने इश्यूज़ चल रहे हैं कि काम। अब आप NCR की बात कर रहे हैं,
पहले तो यही होता था कि आप 70% ऐसे दीजिए, 30% वैसे दीजिए, हाँ। कोई रेशियो का सिर पैर नहीं था। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद वो सुधरा है कम से कम, आप बैंक चैनल से ही दे सकते हैं जो भी आप देंगे, और एटलीस्ट द लार्जेस्ट पार्ट इज गिवन इन बैंक चैनल, इफ नॉट द एंटायर पार्ट, वो सुधरा है। और हाँ, ऐसे भी काफ़ी बिल्डर्स हैं जो एक्चुअली उनके प्रोजेक्ट्स इंसॉल्वेंसी में गए हैं, होम बायर्स को हर जगह तो सोल्यूशन नहीं मिला है, कुछ जगह मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपका स्पेसिफिकली आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो अब आपको देखने मिलेगा आने 2 साल में, आई वुड लाइक यू टू हैव अ क्लोज वॉच इट। पर्सनल गारंटर्स पे इंसॉल्वेंसी अब लागू हो गई है। पर्सनल गारंटर कौन होता है? कंपनी का मालिक, प्रमोटर, डायरेक्टर्स, ये पर्सनल गारंटर्स होते हैं। तो अभी तक तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही थी, तो जो प्रमोटर था जिसने पैसे लिए कुछ सही काम के लिए, कुछ काम सही नहीं हुआ, उसको उतना चिंता नहीं है, कंपनी जा रही है, लेकिन इनकी रही सी नहीं जाती है, ये अभी भी अपने वही 7-star लाइफ में जी रहे हैं और 7-star लाइफ में घूम रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पर्सनल गारंटर का इंसॉल्वेंसी वाला जो कानून है, जो इसी का एक सेक्शन है, इसी का एक पार्ट है, वो जब अपना आई वुड से प्ले आउट करेगा, क्योंकि उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दिया हुआ था उनके हियरिंग्स पे ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड्स, 2 बार उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया, और दोनों बार कहीं ना कहीं कुछ एक स्टेटस को जैसा कुछ ऑर्डर था, या एक बार आप देखिए हम उसको समझते हैं। अब वो एप्लीकेशन जोर पकड़ रहे हैं, करीबन 2,000-1,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं NCLTs में, कोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया, जो रिलेवेंट कोर्ट है उसका नाम NCLT है इसका। और अब ये होगा कि जो पर्सनल गारंटर है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, जब उनके ऊपर खुद के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो कभी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि चीज़ों को सेटल करें, रिजॉल्व करें। अब यहाँ भी डेफिनेटली लूप होल ये है, क्योंकि आने में ये थोड़ा समय लग गया, पर्सनल गारंटर ने वैसे ही अपना एसेट जो है अपने नाम से हटा के किसी और भाई बंधु के नाम पे कर दिया, थर्ड पार्टी के नाम पे कर दिया, तो आप उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर भी देंगे तो उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑफिशियली तो उसने ये कर दिया। देखिए, ये लॉ इवॉल्व हो रहा है, सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, आप आज से एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि आने वाले 5 साल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसको आप रिजॉल्व कर देंगे। एक करके हो रहा है, ये लॉ आया था, ये भी नया था, इसने काफ़ी कुछ हमें दिशा दिखाई, अब पर्सनल गारंटर का लॉ आ रहा है, तो और जैसे जैसे लूप होल्स होंगे गवर्नमेंट कोशिश, क्योंकि मैंने इस लॉ में देखा इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं लॉ सेक्शंस में, रेगुलेशंस में, जब जब सरकार को लगा है कि नहीं यहाँ इसको चेंज लाना चाहिए, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ नॉट हेल्ड बैक, दे हैव वेरी बोल्डली ब्रॉट द चेंजेस इन, चाहे वो MSME सेक्टर को रिलीफ देने के लिए हो कहीं, या कोविड के पीरियड में 1 साल लॉ को सस्पेंड करना हो कि नहीं हम किसी कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डालेंगे ही नहीं, या फिर किसी और जब होम बायर्स के एंगल में उनको आइडेंटिफाई करना है कि नहीं इनको हमको एक से देना है, तो आएंगे, देयर विल बी चेंजेस। क्वेश्चन आता है जनरली फॉर द ऑडियंस, यंग ऑडियंस, अगर मैं आज से 10-12-15 साल पहले की बात करूँ, तो उस समय एक बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो अगर आप बैंक के पास जाओ कि मुझे लोन चाहिए, तो कहते हैं नहीं नहीं लोन नहीं मिलेगा, फर्स्ट शो अस दी 3 ईयर्स बैलेंस शीट एंड दैट ऑल्सो इन प्रॉफिट, तब फिर लोन की बात होगी। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो 3 साल तो मतलब पैसे होंगे तब तो स्टार्ट करेगा, और 3 साल में प्रॉफिट में तो कोई बिजनेस आता भी नहीं। तो दिस आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई ट्राइड समथिंग 15-16 ईयर्स बैक और मैंने बंद कर दिया बहुत शॉर्ट पीरियड में, बिकॉज आई थॉट कि यार पैसे कहाँ से लूँ, क्योंकि जिस भी बैंक के पास जाओ कहते हैं पहले 3 साल की बैलेंस शीट लाऊँ, होता है मैं तो बिजनेस है ही 6 महीने पुराना, मैं 3 साल की बैलेंस शीट कहाँ से लाऊँ, एंड आई हैव एन आइडिया बट आई वॉन्ट टू डू द बिजनेस। तो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था कि यू कैन गेट अ फंड एंड यू कैन डू समथिंग, बट वो शायद अब चेंज हो रहा है या हो चुका है। सो मतलब आई एम आस्किंग यू बिकॉज यू कैन एक्चुअली गाइड यंगस्टर्स हु एक्चुअली प्लानिंग टू डू अ बिजनेस और दे हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया। वेरी वेल, डेफिनेटली इसमें चेंज हो रहा है। इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है जो आपने ये इशू रेज किया कि, और ये प्रैक्टिकल इशू है, बिजनेस है 6 से 12 महीना पुराना, हाउ विल यू हैव 3 ईयर्स ऑफ बैलेंस शीट। तो एक तो आई थिंक इस गवर्नमेंट की एक मुद्रा स्कीम करके है, जहाँ यंग एंटरप्रेनर्स को, स्टार्टअप्स को आइडियाज़ के बेसिस पे, उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, ऑफकोर्स उनको अपना पेपर वर्क जो भी सबमिट करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरीली कोलैटरल, नॉट नेसेसरीली अ वेरी बिग ट्रैक दिस थिंग, उनको लोन्स दिए जा रहे हैं। अमाउंट्स आर स्मॉल, 10 से 25 लाख, 25 से 50 लाख, 3-4 ऑप्शन से, दैट्स अ स्टार्टअप थिंग, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक नेशनल स्टार्टअप्स का भी इनका जो एक इनोवेशन सेक्टर है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेल्स आ रहे हैं जहाँ पर सीड मनी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, जहाँ वो मेंटरशिप भी दे रहे हैं, सीड मनी भी दे रहे हैं, और दे आर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कि जहाँ स्टार्टअप्स
अपने दम पे अपने आइडिया के बेसिस पर चीज़ों को थोड़े आगे ले जा सकें और कर सकें। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में गवर्नमेंट का एनेबलर का जो रोल है, एनेबलमेंट का रोल है, वो इम्पॉर्टेंट रहा है। एंड आई एम सेड, मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द स्कीम, बट देर आर इन फैक्ट अ होस्ट ऑफ सच स्कीम्स विच कम अंडर अ पर्टिकुलर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज और दोज मिनिस्ट्रीज वेयर देर आर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स टू प्रमोट स्टार्टअप्स डू बिजनेस एंड टेक इट फॉरवर्ड। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि जनरली आइडियाज के बेस पर बिजनेस स्टार्ट करना और सक्सेस करना है, दोनों में डिफरेंस है। कई बार हम बिजनेस आइडिया अच्छा होता है पर सक्सेस नहीं होता, उस केस में क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आइडिया है, उस पर मैंने 25 लाख का लोन मिल गया मुझे मुद्रा से, एंड नाउ माय आइडिया इज नॉट अ सक्सेस, एक साल बाद मेरा बिजनेस डूब गया। सो हाउ बैंक विल रिकवर दैट 25 लाख, और देयर इज सम रिबेट और समथिंग इज बीन? I have not studied that much in of that particular scheme, लेकिन हाँ मुझे इतना मालूम है कि उसमें they don't insist for a collateral. अगर collateral के लिए insist नहीं करे तो आपको कम से कम ये तो मालूम है कि आपका घर नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, you will have to see what it is on a case to case basis. They will also evaluate कि अगर उसमें कुछ personal guarantee sign करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लेकिन compared to 15 years earlier, situation is definitely at an overall scale better. हाँ, आपका जो ये question है कि अगर फेल हो गया, देखिए अब आईबीसी को भी, मैं वापस आईबीसी पे इसलिए आता हूँ, आईबीसी इंसॉल्वेंसी कोड को लाया ही गया ये बोल के कि वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स। ईज ऑफ एग्जिट की बात होती है इसमें, ईज ऑफ एंट्री, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक पार्ट है जो इंडिया बहुत ऊपर चल रहा है, ग्लोबल रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स पे इंडिया हैज डन क्वाइट वेल, वो सारी बातें अच्छी हैं, बट आई थिंक फेलियर इन बिजनेस एंड द टर्म सच एज इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, अभी धीरे धीरे देखिए एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है। आप पेपर्स में पढ़ेंगे कि गो एयर ने खुद ही इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया कंपनी पर इंसॉल्वेंसी के लिए, जेट एयरवेज इज रनिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, अभी उतना अनयूजुअल नहीं लगता है जितना शायद 5-8 साल पहले लगता था। तो कमिंग बैक टू योर फेलियर ऑफ स्टार्टअप सर, देखिए गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दैट, आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट रेशियो, बट स्टार्टअप्स में ये कॉन्सेप्ट है कि 10 या 15 या 20 में से एक स्टार्टअप या 25-50 में से एक स्टार्टअप बिकम्स बिग, the remain quite a few others just possibly there, and of course hundreds or thousands make unicorn banta hai. There are definitely schemes, I think now to even lot of private and public sector banks have specific startup cells, jahan ho sakta hai funding bahut limited ho aur specific terms pe ho ya limited ho, but funding is available without the same rigor which was there 15 years back. And one last question I'll say, लास्ट टॉपिक आई एल से इम्पॉर्टेंट वन विच इज रनिंग एज ऑफ नाउ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, क्योंकि आप इस सेक्टर से हैं, लीगल सेक्टर से हैं, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसे ना, मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज में जब सुना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के बारे में, सो मेनी कंपनीज आर गिविंग मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, सो वॉट दिस ऑल अबाउट, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन अस इन अ फ्यू वर्ड्स? देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का जहाँ तक मुझे मेरी समझ है, इसको एक नोबल इन ऑब्जेक्टिव से लाया गया था, जो पहले के फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी के थ्रू, इनफैक्ट आईबीसी भी उनका ही ब्रेन चाइल्ड है, एंड इट्स डूइंग क्वाइट वेल। पहले प्री इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये होता था कि इलेक्शंस में जो पैसे लग रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि इंडियन इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, 30-40 हज़ार करोड़ रुपये लगते थे, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग 2014 इलेक्शन में 50 हज़ार करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हुआ था, बट अगेन नन ऑफ दीज फिगर्स आर ऑफिशियली रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये सब एस्टिमेट्स हैं। तो अब वो पैसा किस सोर्स से आ रहा है, वाइट में आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है, किसको आ रहा है, कौन किसको दे रहा है, क्या हो रहा है, कोई उसका, देर वॉज नो हेड नो टेल, देर वॉज एब्सोल्यूटली कंप्लीट ओपेकनेस इन इट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी डोनेशंस या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रांट या डोनेशंस दिए जाएँ, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बैंकिंग चैनल से दिए जाएँ। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो ब्लैक मनी का जो इन्फ्यूजन इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको कट किया जाए और उस पैसे को, सॉरी टू इंटरप्ट, उसको कट किया जाए कि उसको वाइट शो किया जाए? देखिए अब वो तो टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, अग्री, आई हैवंट गॉन थ्रू द एंटायर सुप्रीम कोर्ट का द एंटायर वर्डिक्ट, वेदर दे आर सेइंग इट, बिकॉज एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, वी रिस्पेक्ट दैट कंप्लीटली एंड वी हैव टू, लेकिन हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो। अगर चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, वाइट शो भी किया गया है, अगर हाइपोथेटिकली वाइट शो करने के लिए,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अमाउंट कितना है आज के दिन, कितना है अभी? आई थिंक 13,000 करोड़। 13,000 करोड़, 2,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक्सपोजर नहीं आया है, SBI ने अभी नहीं सबमिट किया है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए बीइंग अ लॉयर आई रिस्पेक्ट द कोर्ट कंप्लीटली। इलेक्टोरल बॉन्ड कैश में तो परचेस होते नहीं होंगे? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव टू बी परचेस, हां कैश में नहीं, दे हैव टू बी परचेस फ्रॉम बैंक। व्हाइट मनी है, व्हाइट मनी है। नहीं, उसका भी एक देखिए, आज के दिन ऑपोजिशन का एक क्रिटिसिज्म आ रहा है, दिस इज अ ब्लैक टू व्हाइट स्कीम ऑफ द BJP, वो सब चीजें हो रही है, वो देखिए दैट इज पॉलिटिक्स एंड वी आर नॉट हियर टू डिस्कस, एट लीस्ट आई एम नॉट हियर टू डिस्कस पॉलिटिक्स, आई एम हियर टू डिस्कस व्हाट आई अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस। 13,000 करोड़ रुपए अगर सिस्टम में आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें से 47% एज पर दिस हैज कम टू अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी विच इज द रूलिंग पार्टी और व्हाटएवर इट इज, 2,500 करोड़ और फर्दर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो भी मान के चलिए उस सिमिलर रेशियो है प्लस माइनस, एटलीस्ट नाउ यू हैव सम अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि किस किन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल स्पॉन्सरिंग की है और किन पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा आया है। द क्वेश्चन दैट विल हैव टू बी सीन नाउ, और अगर वहाँ कुछ गलत होगा तो उसको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा हमें, कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, A, B या C, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे फंड्स मिले हैं और उसके वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि एक ही एलिगेशन आ रहा है कि ED, CBI एनफोर्समेंट कुछ कंपनीज पे थी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, एक ये भी आ रहा है कि क्विड प्रो को किया गया कि वहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उस टाइप के एलिगेशन हैं। देखिए इन सब टू अर्ली टू कमेंट, वो ये जजमेंट आया है एक दिन या दो दिन पहले, फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसका क्या इम्पैक्ट है, इज गोइंग टू बी टू अर्ली टू कमेंट। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इसके पहले क्या था, डिड यू हैव अ सिस्टम वेयर इट इज़ अकाउंटेड फॉर कि कौन पैसे दे रहा है और किस पार्टी को कितना चंदा आ रहा है या पॉलिटिकल डोनेशन आ रही है? तो हम जहाँ थे वहाँ से तो कुछ बेटर करने की कोशिश की गई है। ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि किस पार्टी को किस से कितना आ रहा है, वो ओपन होना चाहिए कि नहीं। आई थिंक द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट इज टाइम एंड अगेन सेइंग कि वो अल्फा न्यूमेरिक डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए ताकि वो मैच हो सके कि किसको किससे आया है, चलिए मान के चलते हैं वो आपदा भी है, आ भी जाता है, आता है, तो जो उसमें गलतियां होंगी तो शायद आगे से कुछ बेटर फ्रेमवर्क लाया जाएगा विच विल ब्रिंग इन सम मोर अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हेल्प अस टू। तो हम एक कम से कम आज शुरुआत ही कहीं नहीं है, हमारा 40,000 करोड़ का इलेक्शन बजट चल रहा है जिसको बोलते हैं यू नो पूरा ही भगवान भरोसे, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, उससे हमने एक कदम लिया, शायद वो पार्टी सक्सेसफुल हुआ पार्टी नहीं हुआ, हो सकता है अब आगे दूसरा कदम लेना पड़े। दीज आर आई वुड से बिल्डिंग ब्लॉक्स टुवर्ड्स अल्टीमेटली सम अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी से शर्क करती गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर, तो फिर उनको ये स्कीम लाने की जरूरत ही नहीं थी। और देखिए ये भी आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा आया है, जो भी जो लेटेस्ट जो लिस्ट आई है इट एंड सरप्राइजिंगली कि जो सेकेंड जो टिपिकल एक्सपेक्ट करे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मेन अपोजिशन है पार्टी है उनको, दैट दे आर एट नंबर 3, दे आर नॉट एट नंबर 2। सो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आया है, और देखिए वी हैव टू एक्सेप्ट, मैं चाणक्य जी को बहुत बहुत मानता हूँ और बहुत बिलीव करता हूँ उनकी उनकी अर्थशास्त्र की पूरी फिलॉसफी पे, और उस पर उनको एक रियलिस्ट बोला जाता है, और एक होता है आइडियल वर्ल्ड और एक होता है रियलिस्टिक वर्ल्ड। देखिए आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे, US, UK का काफ़ी जगहों में देखेंगे, US में आप देखेंगे पॉलिटिकल फंडिंग पे कोई रोक टोक नहीं है, और न ही वहाँ पर कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉज है कि आप इतना ही कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। UK में भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिविजुअल को आपको फंड करने का एक लिमिटेशन है, बट पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस डू रिक्वायर फंड्स, डू रिक्वायर मनी, ये हमारी रियलिटी है। हम इससे इसको डिप्लोमेटिकली हम बोल सकते हैं नहीं इतना नहीं है, कम है, बट ये रियलिटी है। अब हम इसको आगे अभी से काम ऐसा कुछ करें कि इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करें ताकि चीज़ें इतनी एक पॉइंट के ऊपर आके ट्रांसपेरेंट हो जाएं, लोगों को मालूम रहे कौन क्या है, किसको कितना क्या आ रहा है, चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं, देन इट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड वेदर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन आर दे गुड और नॉट। दैट वुड बी माय टेक ऑन इट। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट येट टू हैपन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू इज नॉट येट ओवर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज स्टिल अगेन कॉल्ड अपॉन SBI टू गिव मोर डिटेल्स। Perfectly answered. At least something is clear in my mind now. Before we move to the end section, ये book is like I write romance. मुझे पता है मेरा audience ना romance है, young generation है.
who is the audience for this particular book? The audience for this book is any stakeholder who is impacted by this particular law. तो हम तो फिर तो ये चाहेंगे कि लोगों को ये मालूम रहे कि आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट हो रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, आप वर्क में तो देखिए उतना नहीं पढ़ेंगे, लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेटर, लॉ स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली. लॉट ऑफ लॉयर्स हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस एरिया ऑफ लॉ, उनके लिए ही अच्छा था. मैं जब फॉर एग्जाम्पल मैं कमर्शियल लिटिगेशन, कमर्शियल लॉ करता हूँ, अब आई डोंट नो सो मच अबाउट द होल एंगल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस की क्या लॉज हैं या क्या, वो मेरा सेक्टर नहीं है. तो इफ़ आई हैव अ सिंपल बुक विच गिव्स मी अ सेंस, और अगर मेरे किसी केस में मुझे लगता है कि हाँ इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई शुड स्टडी इट, या फिर समथिंग स्पेसिफिक विच इज़ वेरी स्पेशलाइज, तो इट्स लाइक दैट. सो एक तो लॉयर्स के लिए भी है, पीपल फ्रॉम द जुडिशरी हैव ऑल्सो अप्रिशिएटेड सेइंग कि हाँ ठीक है हमारे लिए इट गिव्स अस अ गुड बर्ड्स आई व्यू कि हाँ ये क्या लॉ है. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक इज डिवाइडेड इन टू द हिस्ट्री ऑफ वॉट एवर यू स्पोकन, क्या था, क्या सिचुएशन थी, वाई अ लॉ वॉज नीडेड, लॉ का पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है. सेकेंड हाफ ऑफ द बुक गोज इन टू अ बिट ऑफ मोर स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ हर स्टेक होल्डर के लिए ये लॉ कैसे काम करता है. फिर MSMEs के लिए ये बुक है, SME बिजनेसेस के लिए. बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, यंग बिजनेसेस, बायजूस का केस अभी चल रहा है इंसॉल्वेंसी में, तो ऐसे बहुत सारे यंगर स्टार्टअप्स हैं, यंगर बिजनेसेस हैं जो शायद एक ओवरव्यू जानना चाहें कि जो हो रहा है हमारी कंपनी के साथ हमारे आंखों के सामने या जो चीज़ें हो रही हैं, तो इज़ इट लीगली विद इन द फ्रेमवर्क और नॉट. सो इट इज़ अ मच वाइडर ऑडियंस, CA, CS, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो लोग कॉरपोरेट जगत से किसी भी रकम का नाता रखते हैं या जुड़ाव रखते हैं. सो दे आर ऑल, आई वुड से दिस बुक इज़ फॉर ऑल ऑफ देम. दैट्स द रीज़न वी ट्राइड कीपिंग इट, हमारी लैंग्वेज इसमें कॉन्शियसली बहुत सिंपल रही है, हमने उसको सिंपल रखने की कोशिश की है इसी रीज़न से, ताकि ये एक आपके लिए रिलेटिवली हैवी रीड ना बने. इट्स समथिंग विच यू कैन डाइजेस्ट विद सम अमाउंट ऑफ ईज. कहते हैं ना एक डॉक्टर और एक लॉयर जिंदगी भर पढ़ाई करते हैं, सच है? हाँ करते हैं. और मैं मुझे तो देखिए अच्छा लगता है, मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ उसको करना. और मैं तो मेरा मन तो यही होगा कि आने वाले समय पर भी हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी वी वर्किंग ऑन टू प्रोजेक्ट्स, दो किताब बुक्स पे काम कर रहे हैं. जब सही समय आएगा तो आई विल लेट यू नो. लेकिन हाँ मैं तो विश करूँगा आप अगली बुक जल्दी लिखिए, फिर से हम और डिस्कशन करें. इट्स अ वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट है, क्योंकि लॉयर एक ऐसी है इसके बारे में ना बहुत कम इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि कॉमन मैन को ना इन्फॉर्मेशन बड़ी कम रहती है, एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ना, मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई इंसॉल्वेंसी के बारे में. एंड पर्सनली आई फेल्ट कि मतलब मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन हुई आज के पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आने वाली मेरी अगली जो बुक का भी जो है कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल लिटिगेशन, जो काम जो मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे उस चीज़ पर लिखना चाहिए जो मैं ग्राउंड लेवल पर ऑलरेडी कर रहा हूँ 18-20 साल से. नॉट समथिंग विच इज़ ओनली समथिंग विच मैं पढ़ के करूँ, क्योंकि वहाँ जब आप अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखना चालू करते हैं ना, वो बहुत एक अलग ही एस्पेक्ट देता है. तो तब हम डिस्कस करेंगे, आज शायद हमारे पास समय का ही है, लेकिन वील डिस्कस एट सम पॉइंट इन टाइम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ द सिस्टम वर्क्स, क्या है, क्या फ्लॉज हैं. सर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग से निकलने वाला था, जो कहते हैं ना वो तारीख पे तारीख. ये तो अगले पॉडकास्ट के लिए. देयर आर सो मेनी केसेस पेंडिंग. तो मेरे दिमाग में मैं कल एक वो शो देख रहा था, मामला लीगल है, रवि किशन जी का. तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ना जैसे कि डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए अच्छा है ना, कोई बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास आएगा, ऐसी जितनी तारीख आएगी उतनी वकील को फीस मिलेगी. तो व्हाट्स योर व्यू, मतलब ये जो इतने सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, क्यों पेंडिंग रहते हैं? मतलब रिसोर्सेज की कमी है, जजेस की कमी है, कोर्ट की कमी है, या इंटेंशन की कमी है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आई थिंक जो हमारे बहुत OTT प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना इसे, OTT प्लेटफॉर्म्स और जो मूवीज़ में जिस तरीके से कोर्ट का पूरा एक दिखाया जाता है, मुझे पर्सनली उससे थोड़ा एक रिजर्वेशन है, क्योंकि वो इस तरीके से एक नेगेटिव व्यू कर दिया जाता है कि नहीं ये तो हर ही इंसान गलत है, जो कि एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, रियलिटी नहीं है. अब रही बात आपके दूसरे सवाल की, और आपने बहुत अच्छा एक उसमें ये एंगल पूछा कि सर कमी किसकी है, जुडिशियरी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंटेंट की, या आई थिंक यू द फोर्थ थिंग वाज आई डोंट नो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोर्ट्स की या थिंग्स लाइक दैट. देखिए कहीं ना कहीं सब चीज़ों की ही कुछ ना कुछ शॉर्टेज है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस.
2023 नवंबर में एक रिपोर्ट आई थी इंडियन जुडिशरी के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजेस, आई थिंक इट वाज रिलीज बिफोर ऑन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन नवंबर 26, और उनमें फाइंडिंग्स भी हैं और ऑब्जर्वेशंस भी हैं और कुछ सजेशंस भी हैं। ये फैक्ट है कि हमारे अभी आज भी हाई कोर्ट में 30% वैकेंसीज हैं। हमारे 1100 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसके अगेंस्ट अब 750-700 जजेस ही हैं। हमारे कोर्ट्स रूम, जितने कोर्ट रूम चाहिए वहाँ पर भी हमारे कुछ 25-30% कम है जितने कोर्ट रूम की ज़रूरत है। लोअर जुडिशरी में भी हमारे शॉर्टेज है। सपोर्ट स्टाफ 27% कम है जितना चाहिए। अब जब आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे केसेस सुनेंगे, जस्टिस डिलीवर करेंगे? तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस बहुत सारे हैं जो जुडिशरी का अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए। तो ये भी है कि काम बहुत हुआ है, मीडिएशन को लाया गया, एक नया सिस्टम को लाया गया, लॉट ऑफ केसेस आर बीइंग सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट, चीज़ों में सुधार आ रहा है। द नॉर्मल वेटिंग टाइम इन बॉम्बे हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट, एक जगह इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 मंथ्स से 24 मंथ्स आया है, एक जगह 30 मंथ्स से 26 मंथ्स आया है। तो नॉर्मल वेटिंग टाइम इन कमर्शियल केसेस हैव कम डाउन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, केसेस में आज भी समय लगता है, आपकी बात सही है, बहुत सारे एडजमेंट्स होते हैं। लेकिन अब जो लॉयर्स आ रहे हैं न्यू एज, मैं बोलूँगा जो मैं तो अब आई एम एट अ सर्टेन एज, मैं तो बल्कि बोलूँगा कि मेरे आज के दिन मैं बिलीव करता हूँ हर 5 साल में जनरेशन गैप आता है, तो और जल्दी आता है। हाँ, मैं 5 साल मान के चल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे से 3 जनरेशन नीचे आज के दिन लॉयर्स ऑलरेडी है, अगर उस कैलकुलेशन से चले तो 3 या 4 जनरेशन नीचे। दे आर समबडी हु आर लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली, उनको रीजनेबल परफॉर्म भी करना है, उनको क्लोजर भी चाहिए, सोल्यूशन भी चाहिए। आई डोंट थिंक उनका इंटेंशन सिर्फ यही जो दिखाया जा रहा है ना काफ़ी सालों से कि हाँ खाली बस चीज़ों को टांगते जाओ, पर अब जुडिशरी भी ये समझ रही, जुडिशरी पे भी प्रेशर है। और हम इस चीज़ को तो देखिए, ये बोलते हैं 5 करोड़ केस पेंडिंग है, कुछ हो नहीं रहा है, वो सारी बात अपनी जगह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं। लेकिन आप ये देखें ना, इंडिया में प्रॉब्लम भी तो ये है कि हर इंसान एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट फाइल्स अ केस। या तो लोगों को जुडिशरी पे इतना ज़्यादा फेथ है कि और कुछ नहीं तो जुडिशरी तो है ही। तो वी विल डेफिनेटली हैव टू रैम्प अप आवर जुडिशरी। मैंने पहले भी एक जगह बोला है कि हमें इमीडिएट क्या करना होगा। आई थिंक हमारे हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 62-65 के एज में रिटायर करते हैं, मेरिटोक्रेसी को लाई जाए और अगर उसके बेसिस पर उनको एक्सटेंशन दिए जाए 3-4 साल। तो 62 यू टेल मी, इज 62 एन एज फॉर अ पर्सन टू रिटायर? आई डोंट थिंक 62 जापान में तो 80 तक भी 62 तो आप एकदम पीक पर रहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ चुका है, आपको समझ में भी आ गया है, आप सिस्टम को ये भी कर सकते हैं, पूरे तरीके से एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, जस्टिस भी डिलीवर कर सकते हैं। अगर जो अच्छे जजेज हैं उनको बाई डिफॉल्ट बोल दिया जाता है ना सर 62 वी आर डन, ये तो हमारा कोई कॉलोनियल सिस्टम से फॉलो किए जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई वी, आई होप इसमें कुछ बदलाव आए। तो एटलीस्ट 3 years 4 years वॉट एवर इट इज़, एंड वो भी आप मेरिट पे करें, आप ये नहीं कि बाई डिफॉल्ट सबको ही करें, तो क्या ऑटोमेटिकली विद टाइम द क्वालिटी ऑफ जजेज ऑल्सो विल गो अप, विच इज़ ऑलरेडी काफ़ी सुधार है, काफ़ी अच्छा है, बट दैट विल ऑल्सो गो अप। एंड there are quite a few things that will जो हमें करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए। इसमें एक चीज़ से आप कोई एक चीज़ से ये नहीं होगा, तो cases are pending, no doubt। अब इसमें ये भी चीज़ काफ़ी हुई है कि वर्चुअल हियरिंग्स होने लग गई, वर्चुअल कोर्ट्स होने लगने लग गए, लोग सेकेंड टायर थर्ड टायर जगहों से अपियर कर पा रहे हैं, एटलीस्ट अपना देख पा रहे हैं केस में क्या हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर भी आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन द जुडिशरी, जो आई थिंक होपफुली अब हमारी एक वन ऑफ द मेजर फोकल एरियाज होने चाहिए आने वाले समय में। और अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, कुछ माइंडसेट चेंज भी हो रहा है और कुछ देखे समय लगेगा चेंज होने में। एक जिसको बोलते हैं ना, एक द वे थिंग्स हैव वर्क्ड फॉर 60-70 years, आप उसको एक दिन में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यू विल हैव टू ब्रिंग इन, बट एक एफर्ट होना चाहिए। आज जो स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें, या आप उज्ज्वला गैस स्कीम की बात करें, या फिर आप किसी भी और जो अच्छे कुछ मेजर्स हुए हैं, UCCCA तो लॉज की बात करें, मैं स्कीम में कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। UCC से जो एक कॉन्सेप्ट है, ये सब एक दिन में नहीं हुए, ये सब धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट, पहले आज से 15 साल पहले कितने लोग सोचते थे, आप इंडिया में, मैं सिंगापुर में रहा हूँ 4 साल, सिंगापुर में कोई भी इंसान अपने हाथ से कोई चीज़, कोई एक टिश्यू पेपर भी लेके किसी रोड पे फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको देन एंड देयर ही लेव अ फाइन, ही और शी विल हैव टू पे अ फाइन ऑफ $500 और व्हाटएवर इट इज, एक मोटा फाइन लगेगा।
15 साल पहले इंडिया में माइंडसेट ये था, जब यही हम ही लोग जब जाते थे फॉरेन, हम लोग वहाँ के लॉज को फॉलो करते थे और बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे कि हमको डर लगता था, लेकिन इंडिया में नहीं लगता है। आज की जो यंगर जनरेशन है वो सेंसिटिव ज़्यादा है इन चीज़ों को लेके, वो समझ रही है कि इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेके। ये जो पूरा जो अब एक हो गया है कि अब स्वच्छ भारत अभियान है, चीज़ों को क्लीन रखो, अपने सोसाइटीज़ को क्लीन रखो, तो ये एक जिसको बोलते हैं धीरे धीरे एक चीज़ वेव पकड़ती है। सर, और फिर रेडलाइट्स पे अब आप रुकते हो, क्या आपको पता है कैमराज वॉच कर रहे हैं? बिल्कुल, जब पहले हम जंप कर देते थे कहीं, लेकिन अब आपको पता है कि यार जंप करा और थोड़ी देर बाद मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा 2000 रुपये का, सो इट्स बेटर कि आप 2 मिनट खड़े हो जाओ। तो ये सब चेंजेस हैं, दीज आर ऑल, दे मे ऑल सीम लाइक वेरी स्मॉल 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 चेंजेस, बट मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ को कि कंटिन्यूस स्मॉल चेंजेस विल इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स अ प्रॉपर मॉन्यूमेंटल चेंज, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हाँ हमें और बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, बट दैट्स पॉसिबली गोइंग टू बी होपफुली अ वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस द लिटिगेशन बर्डन दैट वी हैव इन आवर कंट्री। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, आपने इतना इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दिया, एंड ऑल्दो ये बुक डिफरेंट जॉनर की है, बट आई ऑलवेज इंसिस्ट रीडर्स कि आप बुक रीड करो, चाहे ये बुक हो चाहे कोई और बुक हो, बट बुक्स आर समथिंग विच शुड बी एनकरेज्ड एंड दे गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू इट। सो आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन टेल रीडर्स व्हाई दे शुड रीड दिस बुक और एनी अदर बुक एंड योर व्यूज ऑन द लीडरशिप। आई विल स्पीक अबाउट अदर बुक्स, वी स्पोकन अबाउट माई बुक, डेफिनेटली आई थिंक मैं इस बुक पे बहुत ही स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट इंसिस्ट दोनों करूँगा कि आपके जो ऑडियंस है ज़रूर बुक्स पढ़ें। It can be of any genre, it can be of any area of interest. There are beautiful set of books being written now by a lot of new age authors, जो बहुत सारी चीज़ों को सामने ला रहे हैं हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे इंडिक नॉलेज पर्स्पेक्टिव के बारे में, वो भी है। Then there are lovely autobiographies, biographies written of some really, you know, very valuable people. और अगर आप ये देखेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, CEO, CFOs जो हैं आज के दिन, उन सब के दिनचर्या में या उन सब के schedule में कहीं ना कहीं certain number of books they read every month or every week. So definitely I would urge all of you to read whichever book it is of your interest, and yes, that's something which I would definitely love. Thank you, sir. Thanks for being on the show of Books and Theories podcast. Thank you, Himanshu. Thank you for having me here. Thank you.